नया रंग हो नई उमंगें, आँखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने से मन में हो विश्वास नया, नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग, नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया, जीवन में मधुमास नया। हेलो फ्रेंड्स, मैं जीनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। न्यू ईयर, नया साल, नया साल हम लोगों ने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि 2020 हमारा ऐसा था कि हम नए साल में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। 2020 को देखते हुए 2020 में हमने बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो कोशिश यही है कि हम नए साल में पहुंच गए और नए साल हमारी लाइफ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या दो नया साल तो आ गया, लेकिन क्या हम नए साल का मतलब समझ पाए हैं? 2020 निकल गया, 2020 के बाद 21 आ गया, नया साल लग गया, लेकिन क्या हम वाकई में 2021 नया साल का मतलब समझ पाए हैं? क्या हमें नया का अर्थ समझ में आया कि नया होता क्या है एक्चुअली? दोस्तों, कैलेंडर बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, सन बदल जाते हैं, लेकिन क्या कैलेंडर के साथ साथ, तारीखों के साथ साथ हमारी जिंदगी बदल जाती है? नया साल में आने का मतलब, अगर हम सार्थक करना चाहते हैं नए साल में खुद को लाने के लिए, तो हमें भी उसे बदलना होगा। नया साल में हम आ गए, लेकिन हमने खुद को अभी भी पुराना ही रखा है, तो हमारी जिंदगी का मतलब ही नहीं है। हमें नए साल में आते आते, नए साल में आने के बाद खुद में भी एक नया चेंज लाना होगा, खुद में भी एक इनर क्वालिटी को पहचानना होगा, हमें अपने अंदर के हुनर को जानना होगा, तो ही कुछ नया कर पाएंगे। नए साल में ऐसा होता है कि सभी लोग गोल सेटिंग करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि नया साल आ गया है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या फिर मुझे कुछ अपनी हेल्थ को लेकर इशू है, तो मुझे बॉडी को मेंटेन करना है, किसी को हेल्थ को फिट रखना है। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं और सब अपने अपनी गोल्स की प्लानिंग करते हैं, गोल्स की सेटिंग करके रखते हैं, गोल्स देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो कर पाते हैं कि नए साल में तो हम आ गए, नए साल में हमने गोल्स की लिस्ट तो बना ली, लेकिन क्या हम उस चीज़ को सक्सेस में बदल पाते हैं, क्या हम उसे अचीव कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ड्रीम्स देख लेते हैं लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आने वाले साल में कर लेंगे, मैं अपने बर्थडे से स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन हम उसे नहीं कर पाते। बस हमारा कल 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 आज कल में बदलता जाता है, कल में बदलता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है फिर से नया साल लग जाता है, लेकिन हम अपने ड्रीम्स को बदल नहीं पाते, हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद में नया नहीं लाना चाहते। इसलिए हम चेंज तो चाहते हैं, लेकिन खुद को चेंज करना नहीं चाहते। नए साल में आना सार्थक तब होगा जब हम खुद को चेंज करेंगे, जब हम अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, कुछ सेक्रीफाइजेस करेंगे, तो ही हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ये सोचूं कि नए साल में मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, नए साल में मैं क्या करूं कि मेरी कुछ अच्छी चीज़ें घटित हो मेरी लाइफ में। आप नए साल में तो आ गए, लेकिन आपका चेहरा वही पुराना है, आपके चेहरे में स्माइल नहीं है, आपके फेस पे एक निगेटिविटी भरी भरी हुई है, आपका चेहरा एक बिल्कुल मायूस है, और नया साल पुराने साल में वैसा ही, तो नए साल में भी वैसा ही है, तो आपका नए साल में आने का मतलब ही नहीं है, सार्थक ही नहीं है। आपको नए साल में आना है तो आपको पहले अपनी इनर क्वालिटी में चेंज लाना होगा, आपको अपने आप में चेंज लाना होगा, आपको ये देखना होगा कि क्या मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरी निगेटिविटी थी, जो पहले मैंने निगेटिविटी थी, उसको मैं कैसे अपनी पॉजिटिविटी में चेंज करूँ, कैसे मैं पॉजिटिव वाइब्स लेकर आऊँ।
कोशिश करनी होगी खुद को नए में ढालने की, कोशिश करनी होगी अपने अंदर के हुनर को पहचानने की, कोशिश करनी होगी हमें कुछ नया करने की, नया जानने की। हमें खुद को अपग्रेड करना है, हमें लोगों को वैल्यू देने की कोशिश करनी होगी, हमें खुद को वैल्यू देने की कोशिश करनी होगी। हमें समझना होगा कि एक्चुअली नया का अर्थ होता क्या है। जिस दिन आप नया का अर्थ समझ जाओगे, उस दिन आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंच जाओगे। नया वो होता है जब आप, नया साल तो आ जाता है, लेकिन जब आप खुद के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, आप ये देखोगे कि मैं क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहा हूँ, क्या मैं पहले जैसा जो था वही हूँ, या फिर मुझ में आज नए साल में कुछ नया चेंजेस आया है। हमें अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करनी होगी। नए साल में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो पहले हम थे वो ना होकर कुछ थोड़े से चेंज हो जाए, कुछ नया लाने की कोशिश करें, अपने अंदर के हुनर को निखारने की कोशिश करें। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम ये सोचना है कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए। हमें खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करनी होगी, हमें लोगों को वैल्यू देने की कोशिश करनी होगी। हमें ये नहीं देखना है कि आप कैसे लोगों को वैल्यू दे रहे हो या नहीं, या फिर ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, हम क्यों चेंज करें, लोग चेंज हो जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। अगर आप में अगर निगेटिविटी है तो आप उसको पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश कीजिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका खुश होना लोगों के लिए ज़िंदगी बन जाए, आपके खुश होने से लोगों की ज़िंदगी बन जाए। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको उसको पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करना होगा, आपको पॉजिटिविटी में ट्रांसफ़र करना होगा, आपको अपने अंदर की चीज़ों में निखार लाना होगा, आपको इनर क्वालिटीज़ में निखार लाना होगा। दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ें कर तो लेते हैं, अगर आपके किसी के साथ बैर हैं, आपके किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसे शॉर्ट आउट करना होगा। अगर आपने पुरानी चीज़ों को आज भी बरकरार रखा नए साल में, तो हो सकता है कि आपका नया साल अच्छा ना हो। लेकिन अगर आपने पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए साल में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दे दी, तो डेफिनेटली आपका ये नया साल सार्थक हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हो, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। हो सकता है आप बहुत सारी तकलीफ़ों से उस चीज़ को कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप सक्सेस नहीं पा रहे हो, आपको अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, उस टाइम के आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि भले ही सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा नया होगा, और तजुर्बा नया होगा मतलब आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस ला रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने आप में पीछे पलट के देखोगे तो आप खुद अपने आप में फील प्राउड करोगे, बहुत प्राउड फील होगा आपको कि नहीं, आज मैं सही रास्ते पर था और सही प्रॉपरली कर रहा हूँ। तो अपनी लाइफ में हर स्ट्रगल को फेस करते हुए, आप पॉजिटिविटी के साथ गिव अप ना करते हुए आगे बढ़ना है, और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नए लाने की कोशिश करनी है, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि हम लोगों को कुछ अच्छा दे सके, लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके, खुद की ज़िंदगी को सार्थक बना सके। हमें अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना है। और नए साल में आते आते, नए साल में हम आ चुके हैं, आ ही आते आते ही नहीं, नए साल में हम आ गए हैं, तो नए साल में हमें कुछ नया करके दिखाना है, अपने आप में कुछ नए चेंजेस लाने। जिस दिन आपने खुद ने अपने आप में चेंजेस ला ली, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जाओगे, बहुत आगे बढ़ते जाओगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नए वर्ष में नई पहल हो, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहली,
अनसुलझी जो रही पहली, अब शायद उसका भी हलो, अब शायद उसका भी हलो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपकी लाइफ, आपकी ये नया साल आपकी खुशियाँ दुगुनी कर दे और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, आपके पूरे ड्रीम्स फुलफिल हो जाए। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।